हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेद आठ। मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा कि सिंपल आसान सा थर्माकोल कैसे बनाएं। यह थर्माकोल बहुत ही सिंपल और साधारण सा है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसके बाद मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, थोड़ा अच्छा वाला डिज़ाइन, थोड़ा मुश्किल वाला, उसको मैं बना के दिखाऊँगा। और यहाँ ताकि अभी मैं सिंपल वाला इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको शुरुआत से ही अच्छे से और आसानी से सीख सकें, क्योंकि थर्माकोल बनाना कई लोग जानते नहीं हैं और कई लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं कि आप ताजुब में पड़ जाओगे कि थर्माकोल वाकई में ऐसा क्या मैं भी बना सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपको निम्न स्तर, काफ़ी नीचे स्तर से आपको बना के दिखाऊँगा और काफ़ी कम पैसे में आप इसे बना सकते हैं और आप अपने ग्राहक को भी संतुष्ट कर सकते हैं। यह थर्माकोल मात्र मैं 300 रुपये में बनाता हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं गांव एरिया से हूँ, तो गांव में अक्सर मध्यम परिवार के लोग रहते हैं जो कि मिडिल क्लास के रहते हैं, तो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। जो पेंटिंग इस तरह के थर्माकोल बनाना चाहेंगे, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप कलर से, मैं फ्लोरोसेंट कलर है उससे मैं स्केच कर रहा हूँ। कई लोग स्केच पेन से, अगर पेंसिल से स्केच कर सकते हैं, लेकिन थर्माकोल में स्केच नहीं होता, तो इसलिए मैं फ्लोरोसेंट कलर से ही स्केच बना ले रहा हूँ। और उसके बाद उसको हल्का से पिंक कलर और ऑरेंज कलर से हल्का सा कलर लेके मिक्स कर देंगे। और उससे क्या है, आप अगर इस तरह की आप स्केचिंग अच्छे से पहले से कर लेंगे तो आपको जो कटिंग करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और बहुत ही आसानी से आप इस तरह की थर्माकोल आप बना सकेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान होता है इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये पिंक कलर, उसको पहले आउटलाइन बना लेना है और उसके बाद आउटलाइन देने के बाद उसको सूखे ब्रश से मिक्स कर देना है। जैसे ही मिक्स हो जाएगा उसको सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट कलर है और जो थर्माकोल का जो शेडो है वो तुरंत सूखता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है 5-10 मिनट का। तो मिक्स करने के बाद उसको सूखने के लिए रख देंगे और उसके बाद जैसे ही मिक्स हो जाएगा, सूखने के बाद उन लोग जो दुल्हा दुल्हन का नाम होता है वो मैं लिख के दिखाऊंगा और कैसे लिखना है उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा। यह वीडियो लंबा है, लेकिन आप अगर इस तरह की पेंटिंग सीखना चाहते हैं, थर्माकोल कटिंग करना चाहते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बारीकी से एक एक वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। मैंने वीडियो को स्पीड भी नहीं किया है ज़्यादा, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और ये जो खाली जगह है उसमें हल्का सा कुछ डिज़ाइन दे देना है फ्लोरोसेंट कलर से ही, क्योंकि इस तरह से आप डिज़ाइन देंगे तो आपको कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप कटिंग करके डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अगर आप थर्माकोल कटिंग के स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो। अगर सीख रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपको बारीकी से आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाया जाएगा और अच्छे से आप समझ आएगा। और अगर इस पेंटिंग को आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इस तरह की कटिंग आप आसानी से सीख जाएंगे एक ही बार में। तो वीडियो पर बने रहें अंतिम तक, 14 मिनट कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता अगर आप इस तरह की थर्माकोल कटिंग सीखना चाहते हैं तो। और ये हम सूखने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद कटिंग करने के लिए कटर चाहिए, तो कटर आपके पास नहीं है तो आपको कटर बनाना पड़ेगा, तो आप उसके लिए ब्लेड ले लें, मार्केट या कोई भी दुकान में आपको मिल जाएगा कि कटर रेजर ब्लेड। उसको कैंची से जो कोना है उसको तीसरा करके हल्का से काट देना है, उसी क्या है आपका जो कटर है तैयार हो जाएगा। एक ब्लेड से आप दो दो कटर तैयार कर सकते हैं, मात्र 1 रुपया मिलता है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता, नहीं होगा। अगर आपके पास कटर नहीं है, कटर बनवाए नहीं है, तो ये बहुत ही, और कटर जो बनवाते हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है, और ये ब्लेड का अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही स्पीड, देखिए किस तरह से कितना आसानी से कट जाएगा, देखिए बहुत ही आसान और तुरंत कट गया। तो इस तरह से आप कटर तैयार कर लें। अगर आपके पास कटर नहीं है तो
तो अब हम नाम लिख के दिखाएंगे दूल्हा दूल्हा का, और इस तरह से आप धागे से धागे में कलर लीजिए और उसके बाद धागा से धागा खींच लीजिए ताकि आपको सीधा लिखने में सुविधा हो और आप आसानी से दूल्हा का नाम अच्छे से साफ और सुथरा लिख सकें। तो देखिए मैंने लाइन खींच लिया है, अब उसके बाद मैं डिब्बे में कलर लूँगा और कलर तो पहले से ले लिया हूँ उसमें थोड़ा सा, और उसमें गोंद मिला रहा हूँ, और गोंद में कलर इसलिए मिलाया हूँ ताकि जब मैं दूल्हा का नाम लिखूँगा तो नाम थोड़ा सा दिखना चाहिए कि कैसा लिखा रहा है। ऐसे में आप गोंद में लिखोगे और वाइट का जो थर्माकोल है तो मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा नाम क्या लिखा रहा है कैसा लिखा रहा है, तो इसलिए आप गोंद में थोड़ा सा कलर ऐड कर लीजिए ताकि आपको जो देखिए मैं अनार का आ दिख रहा हूँ वो दिख रहा है साफ सुथरा। तो दिखने का कारण यही कि इसमें मैंने ऑरेंज कलर मिक्स कर लिया है पहले से। तो देखिए मैं गोंद से लिख रहा हूँ और हल्का सा कलर मिला दिया हूँ तो नाम जो है दिख रहा है। अभी लिख रहा हूँ मैं अविनाश। तो इस तरह से आपको भी नाम लिख लेना है गोंद से। जैसे ही आप नाम लिख लेंगे उसके बाद मैं इसको अभ्रक से इसमें अभ्रक डालूँगा और उसके बाद कटिंग करके दिखाऊँगा कि जो कटर मैंने तैयार किया है उसी से मैं इसको कटिंग करूँगा, और आप भी वीडियो पूरा देखिए और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे आसान तरीके से आप मेरी पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। और मेरे चैनल का नाम है उमेद आर्ट। देखिए अभ्रक मैंने डाल दिया है, उसको अब नीचे से हल्के हल्के हिलाना है। नीचे मैंने थर्माकोल रख दिया है ताकि अभ्रक गिरे तो वहीं गिरे, लेकिन नीचे से हल्का हल्का हिलाना है, और ये अभ्रक गोंद जो मैंने गोंद से लिखा था वो पूरा चिपक गया है। देखिए लड़के का नाम तैयार हो चुका है, अब उसको हम कटिंग करेंगे जो हमने कटर बनाया था पत्ती का उसी से। तो पहले जो एक्स्ट्रा भाग है जिससे आप काम का नहीं है उसको अलग से काट के अलग रख देंगे इस तरह से, ताकि आपको काटने में कोई परेशानी ना हो। मैंने उसको ऊपर हिस्सा को काट दिया, उसके बाद अब नीचे हिस्सा को काटूंगा। इसके बाद ये देखिए, और उसके बाद जो कट पॉइंट होता है अक्षर का उसको धीरे धीरे काट देना है, और उसके बाद सीधा करके उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए ब्लेड कितना आसानी से चल रहा है ना स्मूथली। इसमें कटर में आप काटते हैं तो थोड़ा सा खुरदुरापन आ जाता है और साफ़ सुथरा नहीं कटता, लेकिन ब्लेड से आप काटोगे तो इतना स्मूथली चलता है कि आप पूछो मत। और ब्लेड थोड़ा तेज़ रहता है तो थोड़ा सावधानी से करिएगा, हाथ भी कट सकता है। तो देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, और कटिंग हो जाने के बाद उसको गोंद से चिपकाएंगे। जो मैंने थर्मोकोल पहले दिल वाला डिज़ाइन बनाया है उसमें आप उसको रख के चिपकाएंगे। और आप मेरे चैनल पर अब पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल का नाम है बता दूं उमेंद आर्ट। अगर आप शादी पेंटिंग करना या सीखना चाहते हैं तो उमेंद आर्ट सर्च कीजिए और जाके देखिए, बहुत सारा मैंने मैरिज पेंटिंग बनाया है, यकीनन आपको पसंद आएगा अगर आप वीडियो को देखेंगे तो। और कुछ ही देर में ये बिखर जाएगा। मैं इसलिए इस वीडियो को लंबा बनाया हूँ तो ताकि जो भी नए हैं सीख रहे हैं उसको आसानी से समझ आए और आप आसानी से उस तरह की थर्माकोल कटिंग सीख सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो को स्पीड नहीं किया है और वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं और आसानी से इस तरह की बनाना सीख सकें। और दूल्हा का नाम तो खैर लिखा गया, अब जो डिज़ाइन है उसमें हल्का सा और कलर भर रहा हूँ रेड कलर का, जो पिंक कलर से मैंने फ्लावर बनाया था उसमें। इससे क्या है और जो फ्लावर है उसका डिज़ाइन थोड़ा उभर के आएगा। उसके बाद हम देंगे ब्लैक कलर से आउटलाइन, उससे और भी बेहतरीन हमारा जो थर्माकोल है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए ब्लैक कलर से आउटलाइन देना चालू किया हूँ और पत्ता ठीक मस्त लगने वाला है। उसके बाद जैसे ही ब्लैक कलर का आउटलाइन हो जाएगा थर्माकोल ब्लेड से, उसी ब्लेड से और दूसरे ब्लेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी ब्लेड से हम हल्का हल्का थोड़ा सा वाइट हिस्सा छोड़ के काटेंगे। ये देखिए ब्लैक कलर से इस प्रकार से आउटलाइन दे देना है।
यहाँ पर थर्मोकोल भी तैयार हो चुका है। अब लिखेंगे हम दुल्हन का नाम। दुल्हन का नाम है सुषमा। तो इसमें मैं वो थोड़ा कलर जो है ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्लैक कलर से इसी ब्रश से मैंने जो थर्मोकोल बनाया उसमें आउटलाइन किया था, तो कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये गोंद से हम लिख रहे हैं ताकि हमको दिखना बस चाहिए, चाहे वो कैसा भी दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम लोग इसमें अबरक से फिर से वही प्रोसेस जो दूल्हा का नाम लिखे उसी तरीक़ा से इसमें भी अबरक रखेंगे और हिलाकर उसे चिपका देंगे ताकि दुल्हन का नाम भी कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो पर बने रहें, बहुत ही हेल्पफुल है बिगनर के लिए। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों का नाम तैयार हो चुका है। अब इसको भी उसी तरीक़ा से पहले जो लड़के का नाम कटिंग किए उसी तरीक़ा से इसको भी उसी ब्लेड से काट लेना है। देखिए कितना मस्त स्मूथली यहाँ भी कट हो रहा है। तो इसी तरीक़ा से आपको भी कट करना है। देखिए दूल्हा और दुल्हन दोनों का नाम रेडी हो गया है। और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा जो वायर दिख रहा है उसको थोड़ा सा बचा के काटेंगे ताकि वो अलग से उभार सेडर टाइप का लगे। अब पूरा नहीं काटना है, एकदम डटा के थोड़ा सा जगह छोड़ना है वाइट वाला ताकि अच्छे से लगे। और जो पत्ता का डिज़ाइन बनाया है हमने उसको भी हल्का से डिज़ाइन बना के काटेंगे ताकि वो पत्ता का कोना है जो दिखे साफ़ सुथरा और आसानी से दिखे। और ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल, इसलिए मैं पहला ये है मेरा शादी पेंटिंग के बाद पहला थर्माकोल वीडियो है। मैं आपको नीचे से इसलिए सिखा रहा हूँ, इस बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं अच्छा अच्छा और थर्माकोल कटिंग के वीडियो डालूँगा लेकिन वो मुश्किल होगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं नीचे से सिखा रहा हूँ ताकि ये सिंपल है, ये बहुत ही सस्ता, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप आसानी से 300 मांगोगे तो कोई भी आपको दे देगा। इस थर्माकोल कटिंग का मैं 300 रुपये लेता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता, इसमें मात्र आधा घंटे से एक घंटा लगता है। अगर आप सीख रहे हैं तो एक घंटा लगेगा, नहीं तो आधा घंटा में काम हो जाएगा और आधा घंटे में आप 300 कमा लेंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।